अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आई विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स फर्स्ट। पहली एग्जांपल में ले रहा हूँ K4FeCN6, दूसरी में ले रहा हूँ AgNH3Cl, और तीसरी ले रहा हूँ मैं CrCl3H2O3. इन तीनों एग्जांपल्स में आप अगर गौर से देखें तो आपको एक पार्ट नजर आता होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इस पार्ट को जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली जो है दैट्स कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम या आयन कह सकते हैं आप, और दूसरी चीज जो है इसके साथ होती है दैट्स कॉल्ड एज लिगेंड। चलिए मैं हाईलाइट करके बताऊं आपको। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आयरन जो है सेंट्रल मेटल है, दूसरे में सिल्वर है और तीसरे में क्रोमियम। ठीक, आई विल राइट देम इन द फर्स्ट केस आयरन, सेकंड सिल्वर, थर्ड क्रोमियम, एंड इन डिफरेंट एग्जांपल्स यू कैन हैव डिफरेंट मेटल्स। चलिए अब सेंट्रल एटम के बाद लिगेंड देखते हैं। मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, आयरन के साथ साइनाइड, दूसरे में अमोनिया, तीसरे में वाटर और क्लोरीन दोनों हैं। यस, तो पहले केस में साइनाइड आयन है, दूसरे में अमोनिया मॉलिक्यूल, तीसरे में क्लोराइड और वाटर दोनों एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं जो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। चलिए अब ऐसा करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द फर्स्ट एग्जांपल दैट्स K4FeCN6। इसमें आयरन जो है सेंट्रल एटम है, इट इज सराउंडेड बाय 6 साइनाइड आयन्स जिनको मैं बना रहा हूं। 6 साइनाइड आयन जो है आयरन के साथ बॉन्डेड है, और इन इस केस में आप देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बाहर पोटेशियम के 4 आयन्स है। इस पोटेशियम के बारे में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अब साइनाइड जो है इस केस में इट इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स आयरन, दैट्स हियर द लिगेंड दैट इज साइनाइड आयन। क्या कर रहा है ये? डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर किसको? सेंट्रल मेटल को। और वो जो सेंट्रल मेटल है ना आयरन, द सेंट्रल मेटल आयरन, ये काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और इनके दरमियान जो है ना इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। देयरफॉर ये जो आपका सेंट्रल मेटल है और जो लिगेंड है इनके दरमियान होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के और भी कुछ नाम है जो हम इंशाल्लाह इसमें लिखेंगे, कोऑर्डिनेट मेटल एंड लिगेंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक और नाम से भी जानते हैं, यस इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द डेटू बॉन्ड, यस इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द डेटू बॉन्ड। एक और नाम है इसका जो बहुत आसान है याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें एक स्पीशी डोनर होती है और दूसरी एक्सेप्टर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। ठीक है, चलिए लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या था हमारा? वी हैड सिल्वर एज द सेंट्रल मेटल सराउंडेड बाई 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक क्लोरीन होता था वहां पर, इनफैक्ट इट्स अ क्लोराइड आयन। सिल्वर इज सराउंडेड बाई 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अमोनिया एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड सिल्वर एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। चलिए एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर थ्री आप याद करो क्या थी? यस इट वॉज CrCl3H2O3. इसमें जो सेंट्रल मेटल है क्रोमियम, इसको सराउंडेड है 6 लिगेंड्स इस टाइम, क्लोराइड 3 आयन्स हैं और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। यस, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्रोमियम इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और दो के बीच में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी तक हमें इस से ये पता चला कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो अक्सर आपके ट्रांजिशन मेटल्स में से ही होता है, डी और एफ ब्लॉक, लेकिन जरूरी भी नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं पर आप पी ब्लॉक भी देखोगे, एल्युमिनियम है, या एस ब्लॉक में भी इसे देखोगे, तो सराउंडेड बाई सेम और डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। ये सेंट्रल मेटम जो है इसके साथ केमिकल स्पीशी अटैच होती हैं, वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी। हाँ, एक और बात याद रखिए, वो जो स्पीशीज के साथ अटैच होती हैं वो चार्ज भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी। अभी आपके पास एग्जाम्पल 3 क्लोराइड चार्ज था और वाटर न्यूट्रल है, और इन दो के बीच में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में एक सेंट्रल मेटल होता है, आई राइट दैट बाय एम, विच इज सराउंडेड बाय वन और मोर लिगेंड्स, दैट आई राइट एल, ब्रैकेट के ऊपर में एक्स दिखाऊंगा। यहां पर एम जो है ना, ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम कहिए या आयन। एल जो है इट्स लिगेंड, अभी आप कह रहे थे इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एन जो है ये नंबर ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल्स हैं या आयन्स हैं, और एक्स जो है ना ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज होती है, दिस इज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, या कभी कभी जीरो भी।